थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एएमटी प्रो। माय नेम इज तिलक। तो आज की वीडियो होने वाली है कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे पास है दो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। ये आप देख सकते हैं मेरे पास है V380 प्रो। तो एक ये वाला कैमरा है मेरे पास, वाईफाई कैमरा, और ये दूसरा मेरे पास बल्ब कैमरा है। पैरानोमिक कैमरा भी कहते हैं, और बल्ब कैमरा और वाईफाई के साथ भी आप इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों की आज मैं दिखाऊंगा कि सेटअप कैसे कर सकते हैं। दोनों का जो सेटअप प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं कंप्लीट सेटअप की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और इनका मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो भी अपने चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है पहले, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ये जो प्रोडक्ट है काफी कम प्राइस पर अवेलेबल है फ्लिपकार्ट अमेजोन पर। तो दोनों प्रोडक्ट 1000 रुपए की रेंज में आपको आराम से मिल जाएंगे। जो बेस्ट बाय लिंक है अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहां से इजीली परचेज कर सके। तो ये जो कैमरे हैं आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए, या आपकी दुकान शॉप के लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। तो कंप्लीट सेटअप की, इनके सेटअप को कैसे करते हैं, और अपने मोबाइल के साथ, अपने वाईफाई के साथ, या अपने डोंगल के साथ इसको कैसे कनेक्ट करें, तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम अपने सेटअप पर, आप देख सकते हैं मेरे पास है ये V380 Pro है, और ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप से होता है। इसके अंदर जो कई जो यूज़र हैं उन्होंने पिछली बार भी पूछा था कि मेमोरी कार्ड कहाँ लगता है, तो यहाँ पे लग सकता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड लगाने के बाद आप इसको जो है बिना इंटरनेट के भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर एक बार आपको इंटरनेट कनेक्ट करके ऐप से ऑलवेज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन करना पड़ेगा एक्टिव। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर होता है ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट। तो दोनों कैमरा जो है एक ही ऐप से चलते हैं, और दोनों का जो मॉडल नंबर है वो भी सेम ही है V380। और इनके लिए जो ऐप आपको रखनी पड़ेगी अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए कंपेटिबल होती है, ये V380 होती है। तो इसकी जो ऐप है, तो आप देख सकते हैं ये ऐप इसमें यूज़ होती है। तो आप इस पर खोल लेंगे, और इससे पहले मैं एक बार इनको ऑन कर देता हूँ कैमरे को। तो कैमरे को ऑन करने के लिए सिंपल सा इसके USB जो माइक्रो USB केबल होती है, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका पोर्ट होता है, साथ में रीसेट का बटन है। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, अगर किसी और का पासवर्ड सेट है तो रीसेट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर लैन का भी ऑप्शन है कि अगर आपके घर पर कोई भी ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो लैन केबल के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया ऑन, अभी ये देखिए सिस्टम इज़ स्टार्टिंग ये कह रहा है, तो इसका मतलब चालू हो गया है। और इसके लिए मेरे पास ये होल्डर है, दोनों मैंने ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की सी आपको लाइट देखने को मिल गई, और ये भी सेम आपको जो है प्रॉम्प्ट करेगा कि सिस्टम इज़ स्टार्टिंग, फिर ये जो है एक्सेस पॉइंट क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद जब ये कहते हैं कि एक्सेस पॉइंट इज़ रेडी, तो उसके बाद आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब इन्होंने कह दिया कि एक्सेस पॉइंट एस्टैब्लिश, तो इसके इस कंडीशन में ये कैमरा रेडी है एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं ऐप को ऑन कर लेता हूँ। ऐप ऑन करने के लिए ये मेरे पास V380 Pro का ऐप है, आप देख सकते हैं ये मैंने खोल लिया। अब इस टाइप का कुछ यूज़र इंटरफेस आएगा, तो काफ़ी जो यूज़र है वो पूछते हैं कि यूज़र ID पासवर्ड क्या डालना है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं रजिस्टर पे क्लिक करके। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं और अभी अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाह रहे, तो आप जो है सीधा इस पर क्लिक, क्रिएट ट्राई विदाउट एन अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आप देखिए नीचे की तरफ ये मेरा कैमरा यहाँ पे ऑलरेडी शो करने लग गया है, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा, तो मेरे को यहाँ पर प्लस करना है कैमरे को ऐड करने के लिए। और यहाँ पर जो नीचे आप देखेंगे, इनमें से आपको कोई ऑप्शन करेंगे तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटिक डिवाइस डिस्कवरी, यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका डिवाइस ऑन है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करने लग जाएगा, आपको बस प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप किस वाईफाई के साथ इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, तो ये टेंडा नाम से मेरे पास ये वाईफाई राउटर है, तो उसका नाम शो कर रहा है। अगर आप रिलायंस के फ़ोन से करना चाहते हैं तो उस वाईफाई को सिलेक्ट करना है, और अगर आप फ़ोन के थ्रू करना चाहते हैं तो फ़ोन का आप जो है हॉटस्पॉट को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है,
जैसे ही आप ये करेंगे, देखिए वाईफाई कनेक्टिंग और डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो इस टाइप का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप होम ऑफिस जहाँ पे जहाँ भी आपका कैमरा लगा हुआ है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने होम कर दिया, और जैसे ही आप यहाँ पे होम पे करेंगे आपका जो है कैमरा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो कह रहा है कि पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं कोई भी, तो मैं यहाँ पे एक अपना पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, ब्लैंक भी रख सकते हैं। ये आपका कैमरे का पासवर्ड है जो आप कैमरा जिस जब एक्सेस होंगे तब आप ये सेट कर सकते हैं। देखिए अब ये हो गया रेडी। अब मैं जैसे यहाँ पे प्ले पे क्लिक करूँगा, ये देखिए अब ये कैमरा मेरा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ भी आप मैं जाएगा ये पूरी रिकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो रिकॉर्ड के ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो अपने मोबाइल में कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मेमोरी कार्ड लगा है तो सेटिंग में जाकर आप ऑलवेज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी एक्टिव कर सकते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर जो है आपकी रिकॉर्डिंग हमेशा होती रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, और डिस्प्ले मोड भी आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए मल्टीपल डिवाइस भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर जो भी आपको स्टाइल करनी है वो आप सेट कर सकते हैं। आप एक कैमरे को अपने मल्टीपल फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसके लिए पहले आपको एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा इसी तरह, और जब आप और आपके पास ये उसका पासवर्ड होना चाहिए, तो आप कहीं भी बैठ के उसे कनेक्ट कर सकते हैं। कितने भी डिवाइस से आप एक ही बार में एक कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट सेटअप, और इस तरह से आप इजीली सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो प्रोसेस है। और अगर आपको फिर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको लिख के बताना, मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे उन सब का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। इसी तरह की वैल्यूएबल कंटेंट के साथ मैं फिर लौटूंगा अपने चैनल पर। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। बाय।